शर्मा जी प्रकाश पर थे, श्री राघव प्रकाश जी संगीतकार थे, श्री संतोष कुमार जी और श्रीकांत जी, एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। लेकिन NCERT मुझे सिलेक्ट किया परीक्षा पे चर्चा मन की PM के साथ मन की बात, इसमें जो प्रोग्राम है वहाँ पे मुझे आइडल किया था और वहाँ मैंने एक प्यार का नगमा गाना बजाया थी और PM ने सुनकर बहुत खुश हुई और स्टेज के आकर मेरा नाम रीनी और उन्होंने बोला रीना ने जो कमाल कर दिया, आप लोग देखो, आप लोग भी और भी सीखो, ये देखा। और नेक्स्ट जो डे है वहाँ राष्ट्रपति जी कविंद सर ने बोला था रीना के बात मेरी बात, तो राष्ट्रपति जी ने सोचा था रीनी जो पढ़ते हैं तो सब तो ये हो सकते। इसमें देश में एक बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है कि जो एक हाई बेचारा टाइप एक सिंड्रोम था कि उसकी बजाय हम उनको पूरा चांस दें, मौका दें और हमारे दिव्यांग भाई बहन पूरा सब कुछ करके दिखाते हैं। आज हमने अजीत को देखा जो IAS अफसर बने और कितनी प्रेरणा दी उन्होंने बाकी सबको भी। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देखो तो इनफैक्ट T20 ब्लाइंड क्रिकेट हम पिछले 5 वर्ल्ड कप जीते हैं, पैरा ओलंपिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी अपने 250 से ज़्यादा एथलीट्स स्पेशल ओलंपिक्स में बर्लिन गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि 200 से ज़्यादा मेडल्स वो लेके आएंगे। इन्होंने योगा से लेके डांस से लेके इतना बढ़िया शानदार प्रदर्शन किया, कहीं इनको कोई ये नहीं कह सकते हैं कि ये सब हमारे दिव्यांगजन हैं। सो ये इस तरह के कार्यक्रम समाज के बीच में एक अवेयरनेस भी क्रिएट करता है और साथ साथ इनके अंदर का जो टैलेंट है इसको बाहर लाने का एक प्लेटफॉर्म के रूप में भी ये काम करता है, इनके कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और इनको एक अवसर मिलता है कि जो पूरे दुनिया को एक अपना एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे और भी दिव्यांगजनों को ये लोग इन लोग जो है इनके लिए आइकॉन के तौर पे भी ये लोग काम कर सकते हैं।